नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज ये हमारी वीडियो ट्रांसफार्मर के ऊपर है, जो कि हमारा ये 0 वाला ट्रांसफार्मर है, जिस पे लिखा हुआ है, देखिए मेरा 13 वोल्ट 2 एम्पियर ब्लू ब्लू यानी 2 एम यानी 0 बार है, और ये रेड रेड जो है ये मेन वायर है 220 वोल्ट AC, ठीक है। और अब हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है नहीं, तो अब हम इसकी जगह 12 0 12 कैसे लगाएंगे? जैसे ब्लू है 2 तार वाला ब्लू ब्लू, ऐसे ये 3 तार वाले और आते हैं, ये देखिए 12 0 12। अब इसकी जगह इसमें है 3 तार, ये 12 12 और ये ब्लैक 0 और ये फिर 12 12 0 12 और ये हमारा 0 12। सब में 2 तार ये मेन तार होते हैं रेड कलर के, जितने रेड तार होते हैं ये बिजली के तार होते हैं, ये AC वाले लाइट के, देखिए इसमें भी रेड तार है। जितने भी ट्रांसफार्मर होंगे एक साइड 2 तार जरूर होंगे ये रेड कलर के, छोटा हो ट्रांसफार्मर या बड़ा। अभी इस प्लेट में हमें कैसे लगाना होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो निकला वो 0 12 निकला। अब हमने ये इसकी जगह पर ये देखिए इसमें 2 ही वायर हैं और हमारे ट्रांसफार्मर में 3 वायर हैं, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें ये जुड़ने के नहीं है, अब इसमें कनेक्शन कैसे कैसे होंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका कनेक्शन करने का तरीका। आप कोई भी हो जिसमें एक कैपेसिटर लगा होगा, जिसमें 2 लग रहे हो ऐसे, उसमें ये बिल्कुल काम नहीं करेगा किसी तरीके से भी, ठीक है। जिसमें सिंगल कैपेसिटर लगा हुआ ये वाला 2225 या 1025 या 4725 यानी 1000 mfd से ऊपर का ही कंडेंसर होएगा वो, ठीक है, तो उसमें काम करेगा ये तरीका। अब देखिए मैं दिखाता हूँ, अभी मैं इसके वायर निकाल देता हूँ सारे, फिर दिखाता हूँ आपको। इसमें पहले निकाल लेता हूँ, ये देखिए मैंने बोर्ड बाहर निकाल लिया। इसमें ये देखिए 4 डायोड लगे हुए हैं, ये डायोड जो हैं 5399 के डायोड हैं, ये देखिए ये डायोड लगे हुए हैं 4। ये इसका जो वाइट कलर का हिस्सा है ये पॉजिटिव है, और जिधर की साइड से ये लकीर नहीं है वाइट कलर की, ये नेगेटिव है, ठीक है। ऐसी 2 डायोड पॉजिटिव की साइड को लगे हुए हैं, 2 नेगेटिव की तरफ को ये जो लगे हुए हैं, ठीक है। और जो कैपेसिटर की ये लाइन लकीर है ये नेगेटिव है, जो इधर की साइड में नेगेटिव की साइड में इनका मुंह रहेगा जिनका ये, तो उधर चलिए दिखाता हूँ आपको। ये जो कैपेसिटर की लकीर है ये जो इधर की साइड में, देखिए इधर की साइड में 2 लकीर इधर है वाइट जो डायोड पे, 2 पीछे की साइड हैं। अब जो इधर की साइड जो माइनस वाले हैं, जिधर की साइड के माइनस वाले डायोड हैं वो उधर से ही हमें देखने पड़ेंगे। ये अब इसे हमें किट को उल्टा करते हैं, ठीक है। हमने किट उल्टी कर ली तो हमारी माइनस वाली साइड देखिए ये है बाहर की साइड, जो कैपेसिटर की 2 पिन है ये वाली, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ वाला सिस्टम है, ये जो बड़ी वाली ये जो दिख रही बाहर बाहर ये अर्थ है हमारा, ये जो ठीक है ग्राउंड जिसे बोलते हैं ग्राउंड, ठीक है। अब हमें देखना कि डायोड के जो पिन है ये जो ये देखिए ये आ रहे हैं ना ग्राउंड से, ये देखिए इधर आ गए और ये हमारे पॉजिटिव पे आ गए डायोड। दिखाता हूँ अभी, ये देखिए ये ग्राउंड पे हैं और ये पॉजिटिव पे हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये देखिए है ना। तो ये चीज़ है, तो हमें काटने जो पड़ेंगे ये वाली जो ये है ना नेगेटिव वाले, जो ये काटने पड़ेंगे ये वाले, तो वो काटने पड़ेंगे ना पीछे की साइड से। ये दिखाता हूँ, ये जो पीछे की साइड से ये जो ठीक है, जो ये पीछे आगे से ही काट दे रहे हैं, चलो कोई आगे से काट देने से कोई दिक्कत ना, ठीक है। हम इसे काट के जब देख दिखाते हैं अभी तुम्हें, कट कर देते हैं ये वाले 2 डायोड हम कट कर देते हैं, ये क्योंकि हमारे ग्राउंड पे लगे हुए हैं,
ये देखिए, इन्हें हमने ओपन कर दिया, हमने निकाल भी सकते हैं, बिल्कुल बाहर भी कर सकते हैं। अब ये जो दो डायोड हमारे प्लस की तरफ हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ठीक है। अब ये दो, ये अंदर की साइड प्लस है, तो ये कंडेंसर का भी अंदर की साइड प्लस है, तो इस वजह से अब हमारे जो कनेक्शन करने होंगे, अभी मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ और वोल्टेज भी चेक करा दूंगा कि वोल्टेज हमारे बने या नहीं बने। अभी कनेक्शन करके दिखाता हूँ। ये जैसे पहले लेना हमें एक जीरो जीरो वाला जो वायर है, अभी दिखाता हूँ आपको। ये भी ये लगा दिया यहाँ ठीक है, और दूसरा लगा दिया यहाँ, ये हमारा बार है, फिर दूसरा बार है, इस पर थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं, पेस्ट से टाँका जल्दी लग जाता है, बहुत जल्दी, सोल्डर की भी आवश्यकता नहीं होती है इसमें, देखिए। और अब ये हमारा नेगेटिव है, अब ये हमारा जीरो वायर है, तो ये हमारा ग्राउंड है, तो इसे हम ग्राउंड पर कहीं भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये लगा दिया हमने ठीक है। अब कनेक्शन करना बहुत ही आसान है, ये देखिए, वो जो दो डायोड काटे हमने, वो अब आप चाहें इन्हें यहाँ से हटाने के बाद यहाँ भी लगा सकते हैं, जहाँ इसकी पिन है ना जो पुराने वाले की, उन दोनों पिनों पे भी लगा सकते हैं इन्हें, ये लगा दिए ठीक है। यहाँ पिनों पर लगा दो, ज़्यादा कहीं समझ में ना आए, और एक कंडेंसर के ग्राउंड पर लगा दो। जो एक बार और दिखा देता हूँ आपको कनेक्शन कैसे करें हमने, ये देखिए, बहुत ही आसान है। बस दो जो अर्थ की तरफ जो दो लैग हैं, ये काट देने, जो दो अर्थ पे जा रहे हैं, देखो ये जुड़े हुए ठीक है, ये अर्थ, ये जो जुड़े हुए हैं, ये यहाँ पे आकर ये यहाँ से ग्राउंड बना रहे हैं, ये पीछे की साइड से, ये देखिए पीछे की साइड से ग्राउंड बना रहे अर्थिंग वाला, तो ये हमने काट दिए, ये यहाँ से आगे आ गए ये रे। एक बार ढंग से देखने कनेक्शन, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ये रे बहुत ही आसानी से जीरो बारह की जगह पर आप बारह जीरो बारह लगा सकते हैं। अभी मैं आपको इसे चला करके जब दिखाता हूँ, मैं पहले सारे जैक लगा लेता हूँ इसके, पहले वीडियो पुश कर देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब ये देखिए, हमने सारे वायर इसके लगा दिए ठीक है, और हमने इसका बिजली का तार भी लगा दिया। अब इसे हम ऑन करते हैं ठीक है, अभी हमने ऑन कर दिया, अब देखते हैं ऑडियो बनी या नहीं बनी। ये देखिए ऑडियो हमारी बन चुकी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ऑडियो हम बन चुकी है, ये देखिए बन गई ऑडियो, यानी हमारा ट्रांसफार्मर बढ़िया तरीके से काम कर गया ठीक है। आप भी लगा सकते हैं इसी तरीके से, हमारा ट्रांसफार्मर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना आईसी में किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चलने में भी एकदम बढ़िया रहेगा ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली नॉलेज वाली वीडियो में, जिसमें हम आपको और भी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताते रहेंगे ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।